नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड में जहां मीत अलावत के फादर की जान को बचा लेती है मीत हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, जिसको ये सोच रहे थे कि ये मंजरी पता नहीं किस काम की है, लेकिन दोस्तों उसी मंजरी ने जो कि जान बचा ली है, क्योंकि अब सच का पता भी चल पाएगा कि आखिरकार ये मंजरी नहीं है, ये मीत हुड्डा ही है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कारनामा मीत हुड्डा ही कर सकती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि जब मीत अलावत को ये बात पता चलेगी कि उसके फादर की तबीयत जो बिगड़ी है वो बर्फी देवी की वजह से बिगड़ी है। हालांकि ईसा की वजह से अब तक चुपचाप थे पूरा परिवार, लेकिन दोस्तों जैसा ही पता चलेगा कि ईसा की यानी कि ईसा की सासू की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद में वो बर्फी देवी से बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बताने की। जिसके बाद में बर्फी देवी बोलती हुई नजर आती हैं कि हिम्मत की क्या बात है, जो सच है वो ही बताया है, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा हमेशा से ही अपने पापा अपने परिवार का काफ़ी ख्याल रखती आई हैं, और वो अपने ससुर को ससुर ही नहीं बल्कि वो अपने फादर का ही दर्जा देती हैं। दोस्तों पिता समान राज की तबीयत को बचाया जा चुका है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राज की हालत कितनी डाउन थी, और इन सब की वजह से जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में डॉक्टर ने सीधी सीधी रिपोर्ट दे दी। डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी तबीयत को अब बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इतना समय लग जाएगा कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ तक कोई ले जा नहीं पाएगा। जिसके बाद में मीत हुड्डा ने बोला कि हाँ मैं ले जाऊंगी, मैं इतना दम रखती हूँ कि मैं अपने पापा को कहीं तक भी ले जा सकती हूँ। जी हाँ, क्योंकि टाइम से ही पहले हार्ट का ऑपरेशन भी होना था, इसलिए मीत हुड्डा का वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और जब ये सब कुछ पता चलता है मीत अलावत को कि आज मेरे फादर अगर सेफ हैं तो वो सेफ सिर्फ मंजरी की वजह से हैं। हालाँकि एक बार फिर से मीत अलावत पूछेंगे कि मैं जानता हूँ तुम मंजरी नहीं हो, तुम मीत हुड्डा ही हो, तभी पापा से इतना ज्यादा प्यार करती हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।